क्या कहना चाहेंगे? बर्थडे पार्टी है, वो बर्थडे बॉय है, बिल्कुल लाल शर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे? बर्थडे बॉय, क्या बात है यार, ये कह के तो मन खुश कर दिया आपने मेरा यार। एक बार और बोलो जरा, बोलो बर्थडे बॉय। थैंक यू वेरी मच। इस दा नदी में होते हैं मगर मच्छ इस दा। गुड। आपकी पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी मेमोरेबल आपके लिए? यार मजबूत तो आप लोगों ने बना दी आके, मतलब आप लोगों ने तो इतनी मजबूत कैसे बनती। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का यार, ये जो है आप ताम झाम देख रहे हैं आप की वजह से है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है मेरी चीज़ की। बस आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? हाँ। मुंबई में बनाना और मुंबई आपकी कर्म भूमि है, मैं एंजॉय फील कर रहा हूँ। देखो किसको मिस कर रहे हैं? मिस तो मैं बोलूँ, मैं किसी को मिस नहीं करता हूँ। मैं इतनी इसने बॉम्बे ने मेरे को मुंबई सॉरी इतनी खुशियाँ दी हैं मुझे। तो मैं तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया था यहाँ पे, आज भगवान की कृपा आज सब लोग प्यार करते हैं, जानते हैं, इस शहर में अपने एक अपना घर बना लिया है और गाड़ी वाड़ी भी आ गई है। बस यही आप लोगों का प्यार है जो है, बाकी FIR ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं थैंक्सफुल हूँ FIR का। तो जिससे आपकी पहचान बनी मुंबई जैसे शहर में, तो क्या था जिससे आपकी पहचान बनी? स्ट्रगल कितना करना पड़ा? स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ी है, स्ट्रगल के इस टाइम बातें बताऊंगा तो मतलब थोड़ा आप भी मायूस हो जाएंगे, मैं भी मायूस हो जाऊंगा। लेकिन मैं मुंबई का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो भी इस नगरी में आता है। बस ये शहर मेहनत मांगता है, आपको मेहनत करो और ईमानदारी से रहो, आपको कोई नहीं आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। FIR की बात करें, पहला FIR से आपकी एक अलग पहचान बनी, क्या कहना चाहेंगे FIR के बारे में? FIR ने मतलब हाँ पहचान दी, बहुत पहचान दी। आज घर घर में लोग मुझे जानते हैं गोपी, मतलब ऐसा मैं आता हूँ कहीं भी जाता आता हूँ, पीछे से मेरे डायलॉग बोलते हैं गोपी इज द ये और कैरी ऑन वायल, जो मेरे डायलॉग थे FIR में, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं पहला एक्टर था जिससे शुरुआत हुई थी एनिमेशन की, सब टीवी ने बनाया था मेरा एनिमेशन और रिंगटोन बन गई मेरे डायलॉग्स की। नौ साल FIR, एक FIR ने इतिहास रच दिया है अभी, इतना अच्छा सीरियल ये सब। थैंक यू। कॉमेडी में ही क्यों कदम रखा मुंबई से? जब मुंबई में कदम रखा था क्या सोच कर आए थे मुंबई? मुंबई एक्चुअली मैं एक्टर बनने आया था, लेकिन कॉमेडी मेरे बचपन से ही मुझे था। मतलब मैं जब भी स्टेज पे स्ट्रीट प्ले करता था कॉमेडी रोल ही करता था, कॉमेडी ही मुझे ज़्यादा पसंद था। मतलब ऐसा करके क्या सुनील कपिल गोपी क्या सब पंजाब में ही पैदा होते हैं कॉमेडियन? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, राजू श्रीवास्तव भी पैदा होते हैं, सुनील पाल भी पैदा होते हैं, हर प्रांत में अच्छे अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन ये पंजाब का झुकाव कुछ ज़्यादा ही, ऐसे लगता है जितने पंजाब के कॉमेडियन सब शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, भारती से लेके सुनील ग्रोवर से लेके कपिल से लेके सुदेश लहरी से लेके, मतलब है वो क्या है, लोगों को एक जो फ्लेवर है जो पंजाबी का, एक जो पंच लाइन होती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है मेरे ख्याल से, इसलिए ज़्यादा पंजाबी छाए हुए हैं। आज की पार्टी में कौन कौन आपके पार्टी में शरीक हैं? बस अभी कविता कौशिक आने वाली हैं और जसवीर कौर आने वाली हैं, सोमाया टंडन आने वाली हैं, चित्राशी रावत आने वाली हैं, कुछ ऐसा है, आ रहे हैं धीरे धीरे करके, सब मिलेंगे आपसे। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कॉमेडी में? कॉमेडी में बस मैं वही डायलॉग बोल रहा हूँ एक ही, मतलब आप लोगों से बात करके लगा मुझे बड़ा अच्छा इस दा, हसीना अगर मिसी रोटी है मैं हूँ पराठा, लच्छा इस दा, कैरी ऑन। थैंक यू सर, मुझे एक आईडी चाहिए सर। पार्टी की बात करें, का बर्थडे है तो एक बड़ा खूबसूरत बहाना है आने के लिए और इसी बहाने आए हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक कॉमेडी की अगर बात करें, सब कॉमेडियन यहाँ पहुँचे हैं एक ही छत के नीचे जी, तो कितना एंजॉय फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, अपने लोगों से मिलना सदैव अच्छा लगता है, और जब काबिल एक्टर्स और बढ़िया एक्टर्स और अच्छे लोग अच्छे इंसान आसपास होते हैं तो किसे अच्छा नहीं लगता। गोपी जी क्या विश करना चाहेंगे आज? क्या मैं यही कहूँगा कि 100वां बर्थडे बनाए तब भी हमें बुलाएं, भूले नहीं। और आज की पार्टी क्या खास होने वाला है? पार्टी के अंदर जो खास होने वाला है वो रहने दो यार अभी। मैं फर्स्ट क्लास पहचाने की नहीं, बिल्कुल पहचाना। सर क्या कहना चाहेंगे आज पंजाबी बर्थडे बॉय के पहुंचे हैं बर्थडे पे, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी गोपी भल्ला जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कलाकार तो बहुत बढ़िया हैं ही, बाकी सबसे बड़ी बात है हमारा दोनों का गांव एक है, हम एक ही गांव से पंजाब से हैं, और इनका जन्मदिन के पे आना और उसकी खुशी मनाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य भी था, और मुझे लगता था कि अगर मैं गोपी जी के बर्थडे पे नहीं जाऊंगा तो गोपी जी इतने गुस्से होंगे कि मुझे मनाना मुश्किल हो जाएगा। बात पे आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, कभी मौका मिला इनके साथ काम करने का? हाँ जी हाँ, इनके साथ मैंने पंजाबी पिक्चरें 3-4 पंजाबी पिक्चरें की हैं, तो 1-2 हिंदी पिक्चरें की हैं, इनके साथ काम करने का मौका शुरू से ही मिला। और आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? रनिंग प्रोजेक्ट मेरे हिंदी में तो एक है लव फॉर एवर,
वो तो अभी 21 को रिलीज़ हो रही है और उसके बाद आएंगी 30 मिनट्स हिंदी है। बाकी पंजाबी दो पिक्चरें मैं कर रहा हूँ, एक तो कप्तान करके आया हूँ टिप्स की है और दूसरी उनकी टिप्स की दूसरी पिक्चर है दलजीत के साथ, उसका नाम है अंबर सरिया, ये करने जा रहा हूँ। थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच विजुअल थैंक यू सर।